यूपी में लालच देकर धर्म परिवर्तन के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है और इस मामले में दिल्ली से आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस के मुताबिक बेरोजगार, गरीब परिवार और मूक बधिर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। तो ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा किया गया है जिसमें 1000 गैर मुस्लिमों के धर्मांतरण की बात सामने आई है। यूपी में ये बड़ा रैकेट काम कर रहा था धर्म परिवर्तन को लेकर। यूपी एटीएस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। बड़ा सा गैंग है जो कि लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के और फिर और इसमें काफी पैसे वगैरह देके, प्रलोभन देके इन चीजों पे काम करता है। उसमें एक व्यक्ति का नाम आया जो कि जिसका नाम उमर गौतम है और ये बाटला हाउस जामिया नगर का रहने वाला है और इन्होंने खुद ही अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है। पूछताछ में ये बात सामने आई कि लगभग 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। जो हमारे मूक एवं बधिर बच्चे हैं उनको भी, उनका भी धर्म परिवर्तन कराया है और कुछ महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन करा के फिर उनकी शादी दूसरे। और ये बड़ा खुलासा किया गया है। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से ये पूरा गिरोह काम कर रहा था जो 1000 लोगों का अब तक धर्म परिवर्तन करा चुका है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।